टैक्स से जुड़ी परेशानियों से आपके कारोबार का पूरा विवरण तैयार करने तक। बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान। चीनी मिलों ने 1 अक्टूबर से शुरू मौजूदा मार्केटिंग वर्ष में 30.68 लाख टन चीनी का निर्यात किया है। उद्योग संगठन ऑल इंडिया शुगर ट्रेड एसोसिएशन यानी कि AISTA ने सोमवार को एक बयान में कहा कि इसमें से 6.32 लाख टन चीनी निर्यात को लेकर ले जाने की प्रक्रिया में है। AISTA के अनुसार मिलों ने विपणन वर्ष 2021-22 में अब तक बिना सरकारी सब्सिडी के 46 लाख टन चीनी निर्यात का अनुसंधान किया है। इस साल चीनी निर्यात बिना सरकार के सब्सिडी के किया जा रहा है। बयान के अनुसार मिलों ने इस साल अक्टूबर 2021 में जनवरी 2022 तक कुल 30,68,697 टन चीनी का निर्यात किया। संगठन ने कहा, भारतीय चीनी मिलों को अपनी चीनी पर अच्छा दाम मिलना जारी है। उन्होंने 19.5 से 20 सेंट प्रति पाउंड की सीमा में चीनी बेची है। महाराष्ट्र और कर्नाटक में मिलों ने कच्ची चीनी 31 से 31.80 रुपये प्रति किलो के हिसाब से बेची है। संगठन के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय बाजार में चीनी की कीमत 18.25 सेंट प्रति पाउंड है। चालू मार्केटिंग वर्ष 2021-22 के अक्टूबर जनवरी की अवधि के दौरान देश का चीनी उत्पादन साल भर पहले की समान अवधि के मुकाबले 5.64% बढ़कर 1.87 करोड़ टन होने का अनुमान है। उद्योग निकाय इस्मा ने गुरुवार को ये जानकारी दी है। चीनी मिलों ने पिछले मार्केटिंग वर्ष 2020-21 की इसी अवधि में 1.77 करोड़ टन चीनी का उत्पादन किया था। उत्तर प्रदेश में चीनी उत्पादन इस मार्केटिंग वर्ष की अक्टूबर जनवरी की अवधि के दौरान कम यानी 50.3 लाख टन रहा, जबकि पिछले वर्ष की समान अवधि में यह 54.4 लाख टन रहा था। उद्योग निकाय ने चालू वित्त वर्ष के लिए संशोधित अनुमान में चीनी उद्योग के लिए आवंटन बढ़ाकर 6,844 करोड़ रुपये करने के कदम का स्वागत किया है। पहले ये 4,337 करोड़ रुपये था। इस्मा का कहना है कि ये गन्ने के भुगतान का निपटान करने की दिशा में सकारात्मक कदम है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी। अब अलग अलग काम के लिए अलग अलग ऐप नहीं, हर दुकानदार की बस एक ही ऐप, बिग ब्लिस। बिग ब्लिस चुने, केवल 30 सेकंड में अपने स्टोर को दुनिया के सामने लाए, अपने कारोबार को बढ़ाएं, मुनाफा कमाएं, खुशियां कमाएं। बिग ब्लिस, बिग ब्लिस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान।